वाला सिरा और वो आगे वाला सिरा जमीन पे लगा हुआ है, बाकी बीच से ये हवा में लटका हुआ है। जंगल में प्लेन जगह ढूंढ पाना सबसे टफ टास्क होता है। तो ये आ चुके हमारे कैंथे, छैन और लकड़ियाँ। अभी से पहले धुआं से नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये लकड़ियाँ गीली थी, अब थोड़ा सा इसमें सेक लग गया। वो है नहीं हमारे साथ आज, बट याद उसकी बहुत आ रही है सच में। सबसे ज्यादा स्ट्रगल पता किस चीज के लिए करना पड़ता है, अकेले लोग काटते काटते ना हाथों में झाले आ रहे हैं और बाजू में दर्द हो रहा है। मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ जंगल। तो आज ना मैं एक ऐसी जगह से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चील का पेड़ गिरा हुआ है जिसके सिर्फ 2 सिरे जमीन पे लगे हुए हैं, बाकी हवा पे लटका हुआ है। तो मैं भी इसके साथ साथ हवा में ही लटकी हुई हूँ। तो आज मैं जंगल में बहुत ही स्पेशल चीज़ करने वाली हूँ, तो आपको टाइटल और थंबनेल से थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना, और जो चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं, और मैंने साथ में अपनी गाय भी लाई है, आपको पीछे शायद दिख भी रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे करके इस पेड़ को अच्छे से देख सकते हैं, इसका सिर्फ वो वाला सिरा और वो आगे वाला सिरा जमीन पे लगा हुआ है, बाकी बीच से ये हवा में लटका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैंने फोन ना बहुत मुश्किल जाके एडजस्ट किया था इसके ऊपर, वहाँ पे मेरी तीनों गाय जो है अच्छे से घास चरने भी लग गई है। तो आज मैं जो चीज़ जंगल में करने वाली हूँ ना, उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक प्लेन सी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जंगल में हूँ तो जंगल में प्लेन जगह ढूंढ पाना सबसे टफ टास्क होता है। तो अभी मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे बैठ के मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। मैंने ना घर से ही एक भुट्टा लाया था, इसको मैं यहाँ पे भूनने वाली हूँ, और इसके साथ ना मैंने 3 अखरोट भी लाए थे साथ में, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे को ना बहुत पुराना टाइम याद आ रहा था, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब मेरी दीदी वगैरह हम बहुत सारे हुआ करते थे और हम जंगल में ना पिकनिक मनाते थे तब, तो बहुत याद आती है वो चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आज भी थोड़ा सा इस तरह का कुछ करते हैं, क्योंकि मैं जंगल तो रोज़ जाती हूँ, बट आज कुछ स्पेशल करते हैं। और मन भी था मेरा खाने का, क्योंकि ये भी साल में एक ही बार मिलते हैं भुट्टे खाने के लिए, और ये टेस्टी बहुत होते हैं, और अखरोट इसके साथ मिल जाए तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो सबसे पहले तो इसके लिए मुझे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी लकड़ियाँ, तो ये लकड़ियाँ है ना ये ऐसे नहीं जलने वाली है, क्योंकि आजकल ना जंगलों में ओस रहती है तो लकड़ियाँ गीली हो जाती है। तो इसको जलाने के लिए ना मैं एक चीज़ लूँगी, वो है ये जो चील के पेड़ होते हैं ना, इससे मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि जो चील के पेड़ की जो पत्तियाँ है ना उसको बोलते हैं हम छैन पहाड़ी में। तो ये छैन जो है हम आग जलाने में भी इसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये आ चुका है हमारा छैन। तो अभी इतनी सी लकड़ियाँ इकट्ठी हुई है, अभी ये काफ़ी नहीं है, अभी मुझे और इकट्ठी करनी पड़ेंगी। लकड़ी लेने के लिए ना मैं थोड़ा सा दूर आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को लेने थे साथ में कैंथे भी, क्योंकि कैंथे ना बहुत हेल्प करते हैं कि आग अच्छी जले। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा छैन, इसको ले चलती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से, और सूखा भी है ये। अच्छा, तो ये आ चुके हमारे कैंथे, छैन और लकड़ियाँ। तो यहाँ पे ना मेरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, और अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे आग जलानी पड़ेगी।
आग बहुत अच्छे से जल गई है और अभी से पहले धुआं से निपट रहा था क्योंकि ये लकड़ियाँ गीली थी। अब थोड़ा सा इसमें सेक लग गया है, ये अब थोड़ी सी सूख चुकी है, अब अच्छे से आग जल जाए। तो जितने में हमारी आग अच्छे से जलती है ना, उतने में मैं आपको ये खोल के बताती हूँ। गाय खा लेगी बाद में, इसको मैं गाय के लिए रखूंगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने मक्की भुनना जो है स्टार्ट कर दिया है। पहले ना इसको अंदर से अच्छे से भुनना पड़ता है ताकि जो है अच्छे से पक जाए, बाहर से तो इसमें फिर टाइम नहीं लगता है। तो अब मेरी आग भी अच्छी जल चुकी है और मक्की भुनना भी स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, मेरी मक्की जो है एकदम भुन के रेडी हो चुकी है और ये बहुत गर्म है भाई अभी। तो अब ना मैं यहाँ पे आग को सबसे पहले बुझा लेती हूँ। आग मैंने पूरी तरह से अच्छे से बुझा दी है और इसके ऊपर ना पत्थर भी रख दिया है मैंने। मक्की खाने के लिए ना मैं एक अच्छी जगह पे जाऊँगी और साथ में मैं अपनी गाय को भी देख लूँगी, क्योंकि मेरे को अपनी गाय नहीं दिख रही है। पता लगे कि गाय भाग गई घर और मैं यहाँ पे मक्की भुनने रह गई। तो चलिए अभी गाय को भी देखती हूँ साथ साथ में और मक्की का आनंद भी लेते हैं। आज का दिन ना शायद मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं जहाँ सोच रही थी ना आने का कि यहाँ बैठ के मैं मक्की खाऊंगी, एग्जैक्टली मुझे मेरी गाय भी वहीं पे मिली। पीछे आपको दिख भी रही होंगी, और ये है मक्की, इसके साथ मैं खाऊंगी तीन अखरोट जो मैंने घर से लाए थे। तो देखो बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। और मेरे को दुख भी हो रहा है इस बात का कि मैं अकेले हूँ, अकेले उतना मज़ा नहीं आता यार इन चीज़ों में। अगर कुछ जंगल में करना हो, पिकनिक वगैरह कहीं घूमने जाना हो, तो साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है, फ्रेंड जो, तो बहुत अच्छी बात है। सिबलिंग भी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट अकेले हूँ कोई बात नहीं। आज एक की कमी और खल रही है, वो है ब्रॉनी। उसकी बहुत याद आ रही है आज, सच में। वो है नहीं हमारे साथ आज, बट याद उसकी बहुत आ रही है सच में। पत्थर लाती हूँ कहीं से, ये दांत से नहीं फटेंगे। अगर दांत से फाड़ोगे ना तो दांत टूट जाएंगे, पर ये अखरोट नहीं फटेंगे। ये पहाड़ों के अखरोटे भी इतनी आसानी से नहीं टूटते ये। तो पत्थर लाती हूँ मैं पहले कहीं से, फिर इनको इनके छिलके अलग करूँगी, फिर इसके साथ मिक्स करके खाऊँगी मैं, बहुत मज़े आएंगे। उफ, इतनी सारी दौड़ भाग की ना, कहीं एक पत्थर भी नहीं मिल रहा जंगल में। फाइनली मिला फिर ये वाला, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने के बाद। चलो अब मैं अखरोट फाड़ती हूँ, अब स्ट्रगल ख़त्म है, अब मज़ा लूँगी खाने का बढ़िया। फाइनली मेरे हाथों में दोनों चीज़ें हैं जिनको मैं खा सकती हूँ। ये देखो अखरोट भी मैंने निकाल दिए और ये भी मक्की भी भुन चुकी है पूरी तरह से। अब लूँगी मैं खाने का आनंद भाई, बहुत सारी मेहनत की है मैंने। मेहनत तो कुछ नहीं है वैसे, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल पता किस चीज़ के लिए करना पड़ता है, अकेले कैमरा एडजस्ट करने के लिए, फ़ोन एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल आती है यार, अकेले बहुत मुश्किल आती है सच में। हम इस तरह से खाते हैं मक्की को, एक एक दाना अलग करते हैं ना इस तरह से करके, और हाथ में लेंगे इस तरह से, इसके साथ अखरोट डाल देंगे मिक्स थोड़ा सा इस तरह से, और अब इसको खाएंगे।
जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल पहाड़ों में घास काटने का काम लगा है, खेत खाली करने का काम लगा है, अनाज वगैरह का ठगने का काम लगा हुआ है। तो हम भी अभी शाम के टाइम में खेत आए थे। हमारे यहाँ पे जो बहुत बड़ा खेत है ना, जहाँ पे हमारे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे घास काटा हमने आज। और आज हम यहाँ से शायद क्लोज हो गए हैं। अब पार वाली साइड को घास रहता है, वो हम कल से पहले काटेंगे। तो इसमें बीच में पता कितना गंदा घास था, आपको शायद पीछे दिख रहा होगा, इसमें बीच में इतना गंदा घास था ना, मतलब काटते काटते ना हाथों में झाले आ रहे हैं और बाजू में दर्द हो रही है, इतना सख्त, मतलब काटने के लिए बहुत ही गंदा, और मतलब कि बुरे हाल हो गए इसमें घास काटते काटते। मैं आपको दिखाती हूँ, एक लुक आपको पीछे घास दिख भी रहा होगा, तो चलो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो यहाँ से पहले ना आपको पूले बांधे हुए दिख रहे होंगे, ये ना सूख गया ये घास और ये बांधे हुए हैं, और यहाँ से इधर को नीचे हमने घास बिछाया हुआ है। देखो आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे ये वाला देखो, ये नीचे ना रखा हुआ है ऐसे बांधने के लिए है ये अभी, क्योंकि ये हरा है ना और इसमें ना मतलब घास रहती है, यहाँ धूप नहीं आती है अच्छे से, एक तो पौधे है यहाँ पे उस वजह से नहीं आती है, और धूप यहाँ आती भी नहीं है उतनी अच्छी, तो ये ना गीला रहता है कहीं कहीं से, तो इसको सूखने देते हैं हम अच्छे से पहले, फिर हम इसको बांधेंगे। और ये देखो यहाँ हमने इतना घास काटा है आज। थोड़ा सा घास काटने को रह गया है, और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो देखो ऊपर चिड़िया का घोंसला। और इधर देखिए ना, यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं, जो ये ऐसे टमाटर होते हैं ना छोटे छोटे, ये खुद लगते हैं, इनको लगाते नहीं हम कोई भी नहीं, ये यहाँ पे खुद लगे हुए हैं। जो इस वाले खेत में हमने घास काटा ना, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल था ना, यहाँ पे देखो कुंची इसमें कितनी ज़्यादा थी, बीच में जिसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, इसका अगर करंट लग जाता है तो 2 दिन तक वो ठीक नहीं होता। यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा इसमें थी ना, और इसमें उठपटांग घास था, ज़्यादा उठपटांग माने कि ये वाला घास जैसे नीचे है देखो आगे, उसको उठपटांग घास बोलते हैं, और ये वाला उठपटांग घास। फाइनली शाम ना बहुत हो गई है, मतलब थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है, और अब घर जाने का टाइम भी आ गया है, और साथ में ले जा रही हूँ मैं ये आलू के पत्ते, इसकी बनाएंगे हम सुबह सब्जी। अरबी के आलू के पत्ते हैं ये, और देखो वो दिख रहा है आपको आधा चांद, आपको आधे चंद्रमा दिख रहे होंगे। और इसको ना मेरे को ऐसे दूर दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो इसका ये दाग है ना रेड कलर का, अगर ये लग गया ना कपड़ों में तो ज़िंदगी में नहीं निकलता ये। वहाँ देखो लोगों ने ना मक्की इकट्ठी कर दी है, इस तरह से रखते हैं, फिर इनको 2-3 दिनों में अब सूखने देंगे इसी तरह से, और इसको बोलते हैं कुन्नू, हमारे कुन्नू लगा के रखते हैं, फिर मक्की निकालेंगे इससे, और बाकी का जो घास है उसको रखते हैं पेड़ों में सूखने के लिए, ताकि वो फिर सर्दियों में काम आ सके गाय को खिलाने के लिए।